सर एक बार इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर दीजिए, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। मेरा नाम ऋषभ है, मेरा इस साल CABF में 2019 में ऑल इंडिया रैंक 102 आया और मैं दिल्ली से हूँ और ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था। और ठीक है, आपने कितने घंटे पढ़ाई की? मेरे हिसाब से पढ़ाई को मतलब घंटे वाइज नहीं देखना चाहिए, आप पूरा सिलेबस देखिए, UPSC के प्रीवियस पेपर्स देखिए, उसके बाद सोर्सेज फिक्स कर लीजिए, उसके बाद टारगेट सेट कर लीजिए, है ना, वो ज़्यादा बेटर है कि रोज़ के टारगेट्स आपको रोज़ कंप्लीट करने हैं रादर देन उसको हम घंटे वाइज देखें, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट अटैम्प्ट में पेपर वन क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था? अच्छा, फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा पेपर वन भी क्लियर नहीं हुआ था और सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा पेपर वन हो गया था और जो मतलब मार्कशीट के बाद ही पता लगा पेपर वन हो गया था और टू भी हो गया था, बट दोनों की कंबाइंड कट ऑफ ही बनती है P1 प्लस P2, वो मेरी मिस हो गई थी सेकेंड अटैम्प्ट में। थर्ड अटैम्प्ट में, थर्ड अटैम्प्ट में कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था पेपर वन में आपने? मैंने मतलब एक ये चेंज किया था कि जैसे एग्जाम में MCQ बेस्ड एग्जाम है पेपर वन, तो उसमें थोड़ा सा गेस वर्क की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, लाइक कुछ ही क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल मतलब एकदम एग्जैक्ट आएंगे, श्योर आएंगे। सिविल सर्विसेज में भी जितना मैंने देखा है मतलब पढ़ाए टॉपर्स के बारे में वो ऐसा है, तो मैंने कुछ CSE के पेपर्स निकाले क्योंकि वो CABF से टफ है प्रीलिम्स के, और थोड़ा सा गेस वर्क अपना जो है इम्प्रूव किया, हाँ, ताकि एलिमिनेशन मेथड से जो ऐसा होता है कि दो ऑप्शंस पता लग जाते हैं कौन से बिल्कुल गलत है, दो ऑप्शंस में हम फंस जाते हैं कि इसमें से कौन सा मार्क करें, तो अटेम्प्ट ज़्यादा करने हैं और उन दो में से कैसे टिक करना है, कितना गेस वर्क ठीक हो रहा है कितना गलत हो रहा है, तो उस चीज़ की मैंने प्रैक्टिस की थी। तो मैंने पेपर वन में थर्ड अटेम्प्ट में 70 अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे 66 ठीक थे। पेपर टू में जो ऐसे का था वो अपने इंग्लिश में मीडियम कौन सा था? मेरा इंग्लिश में। आपकी स्ट्रेटजी क्या रहती थी पेपर वन के लिए? मैंने सर इट वुड बी बेटर कि आप शुरुआत से आप जर्नी बता दो पूरा पेपर वन से, नहीं पूरा ओवरऑल जर्नी की आपने फ्रॉम बैकग्राउंड ग्रेजुएशन और उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ कैसे आए, क्या करना चाहते थे एंड प्रिपरेशन, ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए कि रादर देन आस्किंग सो मेनी क्वेश्चंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट है, वहाँ से मैंने बीटेक किया, सोनीपत हरियाणा में दिल्ली बॉर्डर पे, और वहाँ से 2017 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। तो मैंने बीटेक फर्स्ट ईयर से थोड़ा सा देखना स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था द हिंदू न्यूज़पेपर ये सब, मैंने NDA के SSB भी दिए थे और NDA CDS CAPF ये मेरे टारगेट्स थे। और मैंने मतलब सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और मैंने मैच करा उनको कि किस किस सोर्सेज से आते हैं, लाइक अगर हम पॉलिटी के क्वेश्चन देखें तो लक्ष्मीकांत से सारे सॉल्व हो जाते हैं, वैसे ही करंट अफेयर्स के मैंने कुछ सोर्सेज देखे उससे क्वेश्चन मैच किए, साइंस के क्वेश्चन मैच किए, और साइंस जैसे मुझे आती थी पहले से अच्छी, और इंग्लिश साइंस और रीजनिंग मैथमेटिक्स ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे। तो आप सबके कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे ग्रेजुएशन की वजह से, जो आर्ट्स के होंगे उनका आर्ट्स अच्छा आता होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स मतलब जो स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं वो तो एग्जाम में ठीक होने चाहिए। अगर किसी इंजीनियर के साइंस के क्वेश्चन गलत हो जाएंगे तो इस चीज़ के चांस बहुत कम हो जाएगा कि वो आर्ट्स के क्वेश्चन सही करें, है ना, तो किसी भी इंजीनियर के साइंस मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन तो सही होने ही चाहिए, उसके बाद आप थोड़े से आर्ट्स का अटेंड कर देंगे तो एग्जाम क्लियर हो जाएगा। और मैंने ये देखा था मतलब मैंने कुछ जो पहले मिस्टेक्स की थी जो मैंने प्रिपरेशन में उनको मैंने इम्प्रूव किया, लाइक सबसे पहले लाइक मैंने हिस्ट्री पढ़ी, उसके बाद मैंने हिस्ट्री के जब नोट्स बनाए तो ऐसा होता था कि जितने पेज पढ़े उससे ज़्यादा नोट्स बन गए, तो नोट्स जो है वो बहुत कम बनने चाहिए जिसको आप रिवाइज कर सकें एग्जाम से पहले। तो उसका ये तरीका था जो मैंने मतलब बहुत सारे इसके लिए बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज पढ़े उन्होंने क्या किया, और तो इसका एक तरीका ये है कि आप पहले किसी भी बुक को 2-4-5 बार पढ़िए, जैसे पॉलिटी हो गई या हिस्ट्री की कोई भी बुक हो गई, उसके बाद 70% याद हो जाएगा, जो चीज़ 30% या जो भी चीज़ आपको ऐसी लग रही है जो इंपॉर्टेंट है बट याद नहीं हो रही है, सिर्फ उस चीज़ को ही नोट्स में लिखिए ताकि लास्ट में जो नोट्स हैं वो 10% ही बने, मतलब 50-60 पेजेस के ही नोट्स बने, तभी वो एग्ज़ाम के पहले रिवाइज हो पाएंगे। और पेपर वन के लिए उसके बाद सारा का सारा पेपर मतलब हमको नहीं करना है, लाइक 250 में से 250 नंबर हमको नहीं चाहिए, हमको 130, 140, 150 मार्क्स ही चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं उन पे ऊपर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद जो आपको एरियाज ऐसे लगे जैसे कि अभी सर ने कहा कि जहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, लाइक मैंने ऑब्जर्व किया पॉलिटी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं और करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा आते हैं, साइंस से भी CAPF में बहुत बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये वाले एरियाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एंशियंट और मेडिवल से क्वेश्चन आता भी है तो कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, मॉडर्न से भी क्वेश्चन आते हैं तो वो हो जाते हैं,
तो उसके लिए पहले मैंने सोर्सेज फिक्स कर लिए सारे के सारे। और सर सोर्सेज भी बताऊँ? हाँ हाँ, आपके सोर्सेज क्या थे बता दीजिए। जैसे करंट अफेयर्स के लिए मैंने ये ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो जीके टुडे वेबसाइट है, जीके टुडे करंट अफेयर्स, उससे सॉल्व हो जाते हैं। अगर उसकी वो हेडलाइन भी पढ़ रखी है तो वो उससे सॉल्व हो जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। और ज्योग्राफी में मरूनाल पे वीडियोस हैं, 57 वीडियोस की प्लेलिस्ट है। उसके बाद 11 ट्वेल्थ की एनसीईआरटी जो न्यू है, इतना इनफ है। और हिस्ट्री के लिए आईपीएस ऑफिसर राजीव भाई सर की बुक है, जो स्पेक्ट्रम है वो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। उसके बाद थीम्स की 3 पार्ट की बुक है 12th क्लास की, उतना बहुत है। और अगर एंशियंट मेडिवल पढ़नी हो तो 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड की बुक है। और उसके बस मतलब इतनी जो 2 बुक्स हिस्ट्री के लिए और 3 NCERT जो 3 पार्ट्स हैं NCERT के, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी का मतलब पॉलिटी के लिए। और मैंने तो मतलब यही पढ़ा था, साइंस आती थी पहले से, तो आप रिवाइज कर सकते हैं NCERT से अगर जरूरत पड़े। 9th 10th की NCERT इनफ है। और मतलब मैंने इतना ही पढ़ा था, लाइक इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस मैंने इकोनॉमिक्स छोड़ दी थी थोड़ी सी। और जैसे PT 365 आता है विजन IAS का, तो आप उसमें से थोड़ी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े, लाइक स्कीम्स हो गई। और इंडिया बुक भी आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इतने से मतलब हो जाता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट, ये सब चीज़ें, इससे प्रैक्टिस करनी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहे नहीं हो रहे। एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि नॉलेज किसको ज़्यादा है, पढ़ा तो बहुत लोगों ने, मेरे से बहुत ज़्यादा होगा, है ना। लास्ट में तो ये मैटर करते हैं मार्क्स किसके आगे, है ना, सिलेक्शन तो उसी बेसिस पे होगा। और पेपर टू के लिए इम्पोर्टेंट ये है, जैसे 3 चीज़ें आनी चाहिए अच्छा ऐसे लिखने के लिए। सबसे पहले तो है कंटेंट, के बाद दूसरी चीज़ है लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए लैंग्वेज में, क्योंकि UPSC में बहुत बड़े लेवल के लोग बैठे होते हैं। तो मतलब लैंग्वेज में जैसे इंग्लिश लिख रहे हैं तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है वो है स्पीड, बहुत सारे लोग पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है, जहाँ आपको लगे आप वीक हैं आप उस चीज़ को इम्प्रूव करें। मेरी मतलब इंग्लिश में तो ऐसा, जैसे जो लोग द हिंदू एडिटोरियल्स पढ़ेंगे उनके इंग्लिश में तो ऐसे इशू नहीं रहेगा। तो इंग्लिश या हिंदी जो भी लैंग्वेज आप चूज़ करें वो तो अच्छे से आती हो। और स्पीड के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर से और मॉक टेस्ट में कि पेपर कंप्लीट होना चाहिए। और कंटेंट के लिए मैंने ये किया था कि विजन IAS की जो मैगजीन्स हैं वो सारी की सारी, मतलब जैसे हमारा एग्ज़ाम था अगस्त 2019 में, तो मैंने जनवरी 2018 से 18 मैगजीन्स जो थी वो सब के नोट्स बना लिए थे। तो वो सारे के सारे मैंने नोट्स बना लिए थे। और एक ऐसे में मतलब जो ऐसे का फॉर्मेट है वो ऐसा होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कि सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होगा। इंट्रोडक्शन में लाइक फार्मर्स इशू के ऊपर है, तो थोड़े से बेसिक स्टैटिस्टिक्स कि लाइक हमारी 2/3 पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर का इतना कंट्रीब्यूशन है GDP में। उसके बाद बॉडी में हम लिख सकते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जहाँ भी हम हो सके अपने जो हम पॉइंट दे रहे हैं स्टेटमेंट के लिए स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करें अपने पॉइंट को, मतलब एक तरह से अपनी बात को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके बाद जैसे हम सॉल्यूशंस जब देंगे तो बहुत सारी रिपोर्ट्स होती हैं उनके रिकमेंडेशंस कम से कम नाम पे मेंशन करें। लाइक मैंने उसमें मेंशन किया था कि स्वामीनाथन कमेटी की रिकमेंडेशंस को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और एग्जांपल के लिए विजन IAS से वो सब मिल जाता है, मैंने 1-2 रिकमेंडेशंस भी लिख दी थी। और उसको आर्टिकल से लिंक करना चाहिए, लाइक आर्टिकल 14 और को डाल सकते हैं जहाँ पे इक्वालिटी की बात आती है, लाइक और आर्टिकल 15 की बात कर सकते हैं जहाँ पे अनटचेबिलिटी है, वहाँ पे आर्टिकल 17 को डाल सकते हैं। तो ये DPSP और जो राइट्स वाले आर्टिकल हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक आर्टिकल्स हैं, इनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो और SDG के गोल्स हो गए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक एक कोई वाटर क्राइसिस करके मतलब कुछ था, उसके ऊपर हमको लिखना था, तो उसमें मैंने SDG के गोल्स यूज़ किए थे कि SDG का ये गोल है, उसमें भी ये इंपॉर्टेंट है कि वो उस गोल में भी ये लिखा है कि हमको वाटर की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है मतलब उसके लिए, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो एक आप कॉपी या फिर PDF बना लीजिए जिसमें आप सारे के सारे ऐसे फैक्ट्स नोट कर लीजिए टॉपिक वाइज, और वहाँ पे आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है, 2 घंटे का टाइम मिलता है, 2 घंटे जो गैप मिलता है, गैप 2 घंटे का मिलता है वहाँ पर। तो उस 2 घंटे में मैंने वो सारे के सारे फैक्ट्स याद कर लिए ताकि मेरे को वहाँ पे फ्रेश याद रहे। लाइक NCERT का डाटा है और CPCB का डाटा है, कितनी रिवर्स पॉल्यूट हो चुकी हैं, वो सब फैक्ट्स मैंने वहाँ पे रिवाइज कर लिए थे 2 घंटे में। तो वो 2 घंटे मतलब आपको इस चीज़ के ऊपर लगाने हैं, तो आपको फ्रेश याद रहेंगे। तो जैसे ही फिर उसके बाद मतलब आप जाएंगे एग्जाम में तो आप उनको लिख सकते हैं। आप डिफेंस एग्जाम के लिए पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे, आप मतलब NDA के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे थे, ये सर। सो आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहिए या डिफेंस में करियर करना चाहिए, ऐसा क्यों लगा? सर मेरे को ऐसे लगा, मेरे दादाजी कर्नल थे आर्मी में, तो वहाँ से मुझे मोटिवेशन मिली कि मुझे जाना है इसमें।
तो हाँ, बट मैं ये मतलब शेयर करना चाहूँगा कि ऑप्शंस बढ़ाने के लिए और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाने के लिए जितने भी लोगों को डिफेंस में इंटरेस्ट है उन्हें CDS, CAPF और FCAT तीनों पर फोकस करना चाहिए। जितने ज़्यादा आपके मतलब एग्जाम्स आप देंगे उतने ज़्यादा सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। कुछ लोग सिर्फ CDS की तैयारी कर रहे होते हैं, वो CAPF का नहीं देते, कुछ CAPF की कर रहे होते हैं, ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए। आप तीनों का एग्जाम दीजिए, FCAT का भी, CDS का भी और CAPF का भी, तो उसे सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपने कैट भी दिया था? यस सर, एक्चुअली मेरा ये लास्ट अटैम्प्ट था CAPF का, तो जनरल कैटेगरी में हमको तीन अटैम्प्ट मिलते हैं, तो ऐसा है, तो लास्ट अटैम्प्ट था तो मैंने कैट दे दिया था, इसलिए बैकअप के लिए 29 नवंबर को 12 दिन बाद इंटरव्यू के। तो मतलब मेरा ये मानना है, और ऐसे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेंगे कि सबको बैकअप भी रखना चाहिए। बिल्कुल चाहिए रखना चाहिए बैकअप, और जिसका मतलब ऐसा है कि अटैम्प्ट खत्म होने वाले हैं तो तैयारी बेस्ट कीजिए बट साथ में बैकअप भी रखिए। तो उसके लिए मैंने जैसे कैट का एग्जाम दे दिया था और उसमें 98.3% आई थी। सर अहमदाबाद, लखनऊ, ये सब IIMs हैं जो मतलब, और बहुत सारे IIMs हैं, XLRI, इन सब से कॉलेज मुझे आई हैं और इंटरव्यू ने दिए हैं, तो अभी रिजल्ट आएंगे। ग्रेट ग्रेट। और लेकिन आप CAPF मतलब आप फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं? यस सर, क्योंकि उसी पे यस, आफ्टर हैविंग दिस अपॉर्चुनिटी यू वांट टू ज्वाइन सेट्रा। यस, आप इसके पहले मतलब सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे या और कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी? नहीं सर, प्रिपरेशन कुछ नहीं। So you are the person who have always been preparing only and only for the defense examination. Yes, yes. आपको ऐसा कभी लगा क्या कि नहीं कि सिर्फ सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन करने वाले लोग यहाँ पे ज्यादा है या उसी का प्रिपरेशन करना चाहिए तो एग्जाम निकल जाएगा? एक्चुअली ऐसा होता है, लाइक ऑब्वियसली जो लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एज रहता है एग्जाम में, बट एक बार एग्जाम हो गया उसके बाद फिजिकल मेडिकल में और इंटरव्यू में जिन लोगों का डिफेंस पे फोकस है उनको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। इंटरव्यू में उनको ऐसे लोग चाहिए जो डिफेंस में इंटरेस्टेड हो और जिनको हमेशा से डिफेंस में जाना हो। लाइक मेरे इंटरव्यू में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, उन्होंने जब जैसे मैं गया था अंदर तो जो मतलब जो चार मेंबर्स थे उन्होंने सबने ये बोला था कि आप 2013 में मैंने पहले NDA दिया था तो उन्होंने बोला था कि 8 साल हो चुके हैं और आप अभी तक इसी में लगे हुए हैं, तो मतलब ऐसे वो बहुत पॉजिटिव था, तो मेरे को 5 मिनट में लग गया था कि हो जाए। वेरी गुड, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केस विद मी कि मुझे भी शुरुआत में पता था कि मैं कौन जाऊँगा, दे टेक इट वेरी पॉजिटिवली, मेनी पीपल टेक इट अननेसेसरीली नेगेटिवली। So, आपने CDS भी दिया था, SSBs भी दिए थे। So, SSB के और CDS की प्रिपरेशन से CAPF के प्रिपरेशन में आपको क्या डिफरेंस लगा, इंक्लूडिंग इंटरव्यू प्रोसेस? किसी भी एग्जाम में अगर हम देखें UPSC के, तो लैक्स ऑफ कैंडिडेट्स देंगे और सिलेक्शन कोई 100, 200, 300, 400, लेस देन 1000 का ही होता है। तो किसी भी एग्जाम में मेरे अकॉर्डिंग एक मेजर एलिमिनेशन स्टेज है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ एस्पायरेंट्स जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो CDS और NDA में मतलब CDS में ऐसा है लाइक FCAT में भी वहाँ पे एग्जाम इज टू इजी, क्योंकि एग्जाम से बहुत सारे बच्चे जो है एग्जाम क्लियर क्वालिफाई करेंगे, 7-8 थाउजेंड कैंडिडेट जो है एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। वहाँ पे जो मेन एलिमिनेशन स्टेज है वो है SSB और मेडिकल भी उनका बहुत टफ है। CAPF में मेजर एलिमिनेशन स्टेज ही एग्जाम है। एक बार आपका एग्जाम क्वालिफाई हो गया उसमें अगर आपके कट ऑफ से 10 नंबर भी ज़्यादा है तो अगर आप अच्छा मतलब एवरेज भी अगर आप करते हैं और आप कुछ ऐसा नहीं करते कि आप रिजेक्ट हो जाए स्टेटस है तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाए। तो ये बेसिक डिफरेंस है। और प्रिपरेशन में डिफरेंस थोड़ा सा एक ये है कि लाइक अगर हम देखें SSB को, वो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, उनको जैसे लोग चाहिए वो वैसे ही चाहिए, वो बिल्कुल मतलब वो उनका क्राइटेरिया सेट है। अब आप मतलब SSB की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, एक्चुअली CDS एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, SSB की प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, जैसे लोग उनको चाहिए वो चाहिए। CAPF ऑन दी अदर हैंड एक ऐसा एग्जाम है जो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क पे बेस्ड है, यहाँ आप हार्ड वर्क से अपने चांसेस सिलेक्शन के बढ़ा सकते हैं, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। Means dedicatedly preparation किया जाए, even though CDS comparatively crack करना बहुत आसान है, FCAT comparatively crack करना, exam crack करना बहुत आसान है, लेकिन SSB में unpredictability आ जाती है और हम लोग समझ में नहीं आता कि exactly preparation क्या करना है। This dilemma is always there with all the aspirants of the CDS की SSB बार बार जा रहे हैं लेकिन exactly कभी पता नहीं चलता कि क्या improve करना है क्या नहीं करना। लेकिन CAPF आपको ऐसा लगा क्या कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हार्ड वर्क तो है लेकिन पता है पहले से कि हार्ड वर्क ज्यादा है लेकिन क्लैरिटी ज्यादा है कंपेयर टू इसके हर एक स्टेज में, इसके रिटर्न एग्जामिनेशन के स्टेज में, इवन इंटरव्यू स्टेज में। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में रिजेक्शन प्रोसेस है ही नहीं, दिस इंटरव्यू इज ओनली एंड ओनली फॉर द सिलेक्शन एंड नॉट फॉर द रिजेक्शन। और यहाँ पे अगर 400 वैकेंसीज है तो 400 की 400 ये भरने वाले, अनलाइक CDS की वो लोग खाली रख देंगे लेकिन नहीं है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए आपको क्या लगता है कि मतलब हार्ड वर्क के लिए अपने आप को कैसे तैयार करना चाहिए? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मतलब किसी भी एग्जाम में, चाहे वो फॉर एग्जांपल वो कैट का एग्जाम हो या फिर वो CDS CAPF का एग्जाम हो, थोड़ा सा हार्ड वर्क की तरह स्मार्ट वर्क ज़्यादा जरूरी है और थोड़े से लाइक स्किल्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। लाइक मैंने ऐसा हमेशा ऑब्जर्व किया है, जैसे कुछ लोग ऐसे हैं सपोज जिनको इंग्लिश अच्छी आती है
जिनको बोलना चाहता है, जिनको लिखना चाहता है, जिनके पास स्पोर्ट्स का अच्छा है, जो फिट हैं, उनको ऑब्वियसली फ़ायदा मिलेगा, फिजिकल में, मेडिकल में, इंटरव्यू में। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको एग्जाम में थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा, लाइक पेपर टू में, जिनकी ऑलरेडी राइटिंग स्पीड अच्छी है। तो ये जो स्किल्स हैं ये इम्प्रूव करने बहुत ज़रूरी है। लाइक आप लोग जो भी लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी है चाहे इंग्लिश है, स्पीकिंग स्किल्स, बहुत सारे लोग ऐसे हैं लाइक उनको लगता है कि हम यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे हिंदी में, लेकिन वो नहीं दे पाए। वो मतलब लगता है कि जब चार मेंबर जब सामने बैठे होंगे और चारों जब बहुत सीनियर ऑफिसर सामने बैठे होंगे तो बहुत लोग नहीं बोल पाते, हिंदी में भी नहीं बोल पाते और इंग्लिश तो मतलब अलग है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्किल्स। उसके बाद जो हार्डवर्क है उसका तो यही है कि आप लोग पहले देखें पेपर्स, और सोर्सेज तो आजकल पता ही होते हैं, वही कॉमन सोर्सेज हैं, और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे होते हैं वो डायरेक्ट नहीं होंगे, बहुत कम क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, ज़्यादातर वो अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, तो उसमें अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो वो क्वेश्चन आप मतलब कर सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगा क्या कभी फेजेस में कि जो स्टूडेंट के बीच में एक गलत फहमी रहती है काइंड ऑफ कि ये नोट्स करने से हो जाएगा, ये किताबें करने से हो जाएगा, अलग अलग सोर्सेस करने से हो जाएगा, या आपको लगता है कि सेम ही कॉमन सोर्सेस जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं और जो सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं दोनों कुछ अलग किताबें पढ़ते हैं, ऐसा है या ऐसा कुछ चीजें हैं कि सेम किताबों में से आप अलग ने आपने ऐसा अलग क्या किया जो बाकी लोग नहीं शायद से कर पाए ऐसा आपको लगता है? सर मेरे हिसाब से तो मतलब कि सोर्सेज जो होते हैं वो सेम होते हैं, लाइक अगर सोर्सेज का फर्क होता तो फर्स्ट टाइम भी हो जाना चाहिए था, yes. या फिर थर्ड में भी नहीं होना चाहिए था अगर सोर्सेज का ही फर्क होता, बट थोड़ा सा ही होता है लाइक अपने उसको हम जैसे डिफेंस में भी सिखाते हैं वो कि आपको इम्प्रोवाइज करना है, आपको देखना है कि पहले आप क्यों नहीं कर पाए, आपको स्ट्रेटेजी को इम्प्रूव करना है। लाइक मैंने एग्जाम्पल मैं दूंगा इस चीज़ का, सबसे पहले मैंने हिस्ट्री पढ़ी, मैंने 12-13 बार हिस्ट्री पढ़ ली, बहुत ज़्यादा बार मतलब बीटेक में, तो मैंने ऑब्जर्व किया फिर 5 महीने में ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ता रहा तो 5 महीने बाद मैं 5 साल हिस्ट्री भूल गया, मेजर चीज़ें याद रही बट जो निटी ग्रिटीज थी वो मैं भूल गया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रेटेजी गलत थी, तो इस बार मैंने क्या किया था, एग्जाम से 20 दिन पहले भी मैंने डिसाइड किया था कि एग्जाम से 20 दिन पहले हिस्ट्री पढ़नी है और उसको ये रोज़ याद करना है ताकि एग्जाम में हिस्ट्री पूरी की पूरी फ्रेश याद रहे। तो मुझे ये तक याद था जो क्वेश्चन आए हैं कि एनसीईआरटी से किस पेज पे कहाँ से आए हैं, यस। तो ये चीज़ें आपको चेंज करनी है, तो आपको मतलब देखना है कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हैं, कहाँ पे वीक हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। हिस्ट्री में आपको क्या लगता है कि अगर कम से कम सोर्सेज से हिस्ट्री किया जाना चाहिए तो अभी भी स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं जो 10 साल पहले एनसीईआरटी ने भी रिजेक्ट कर दिया है, अभी नए एनसीईआरटी आ चुके हैं बट दिस डायलेमा स्टिल देयर कि जो क्योंकि सिविल सर्विसेज करने वाले वो हिस्ट्री उधर से ही करते रहते हैं, तो नया एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए? अब मुझे ऐसा लगता है सर कि फॉर एग्जाम्पल हमको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे उसमें कुछ इजी क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ मीडियम डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चंस होंगे, कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होंगे, हमको सिर्फ इजी और मीडियम क्वेश्चंस ही करने हैं, उतने में ही सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप 70-80 क्वेश्चंस भी कर देंगे 125 से उतने भी सिलेक्शन हो जाएगा, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन आप सीधा छोड़ दीजिए। इवन कैट में भी ऐसा होता है, कैट में भी लाइक मैथ्स के 30 क्वेश्चंस है उसमें से 10 क्वेश्चंस करने होते हैं 20 क्वेश्चंस, तो मेरा यही होता है 10 इजीएस्ट क्वेश्चन उठाएं उसको जल्दी से करें और हो जाएगा उसमें। तो इजी क्वेश्चंस, तो अगर बेसिक हिस्ट्री भी आती है, बेसिक उसकी आती है सारी की सारी, और लाइक न्यू एनसीईआरटी पढ़ ली है और एक एक कोई रेफरेंस बुक पढ़ ली है जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गए, तो उससे भी 90-80% क्वेश्चंस हो जाते हैं, दैट इज मोर देन इनफ टू गेट सिलेक्टेड। तो एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, लाइक अगर आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से 8-9 क्वेश्चन ऐसे हो जो आपके ठीक हो रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आपको क्लैरिटी रहेगा प्रिपरेशन का तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट एग्जाम निकल सकता है? सर बिल्कुल निकल सकता है, बट थोड़ा सा ऐसा बेटर होगा अगर मतलब अगर गाइडेंस होती है तो वो चीज़ बेटर हो जाती है। अब मेरा ये था कि मैंने जैसे कहीं से कोचिंग ली तो कुछ पता ही नहीं था, सब कुछ एकदम हिट एंड ट्रायल था। इंटरव्यू स्टेज पे मैंने ऐसा किया था जैसे मैं पाथफाइंडर में आया था, इंटरव्यू स्टेज पे सर से सर का प्रोग्राम होता है जैसे इंटरव्यू का, वो मैंने ज्वाइन किया था, मॉक इंटरव्यू भी उसमें होते हैं, तो वहाँ जाके पता लगा था इंटरव्यू के बारे में कि कैसे कैसे लाइक सिचुएशन बहुत सारी होती हैं, वो सिचुएशन देते हैं, रायट्स हो गए और आप वहाँ पे पोस्टेड आप क्या करेंगे, और सपोज कोई प्लान बना रहा है, कोई प्लान कर रहे हैं नक्सल्स की कोई अटैक होने वाला है तो आप क्या करेंगे, तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे आंसर्स देने हैं, तो थोड़ा सा अगर गाइडेंस है तो हाँ फर्स्ट टाइम में हो सकता है। अच्छा आपने जब आपके 2-3 अटेम्प्ट हो गए, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि अब ये स्टूडेंट्स डरना शुरू हो जाते हैं, हर किसी को 2-3 अटेम्प्ट लगता है शायद मुझसे होगा नहीं होगा, तो ऐसा क्या चीज़ है कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया जा सकता है, और मतलब आपने जो अटेम्प्ट अभी आप सिलेक्ट हो गए उसमें क्या डिफरेंस लाया पुराने अटेम्प्ट से? सर एक डिफरेंस यही था कि जो हमने टारगेट्स रखे हैं रोज के लिए वो टारगेट्स फेल नहीं होने चाहिए,
लाइक अगर मैंने आज ये सोचा है कि आज मैं एक न्यूज़पेपर पढ़ूंगा सपोज आज का, और गलती से अगर वो मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो कल मुझे दो न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, एक आज का भी और एक कल का भी, तो उससे मतलब मेरा ऑटोमेटिकली बर्डन जो है वो बढ़ जाएगा और उसमें ज़्यादा मतलब मोटिवेशन गिरने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो टारगेट्स हैं, चाहे छोटे टारगेट्स आप लोग रखें लेकिन उन टारगेट्स को पूरा करना है कैसे भी। दूसरी चीज़, रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं जनरली, बहुत ज़्यादा मतलब कैलकुलेटिव सब्जेक्ट नहीं है, कुछ ही क्वेश्चन हैं जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आर्ट्स के हैं और मतलब आर्ट्स के जो याद रखने वाली चीज़ें हैं, लाइक आर्टिकल्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन के, और हिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें होंगी, ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इस वजह से रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट का एक महीना पूरा रिविजन के लिए रखना है, उसके पहले नहीं पढ़ना है कुछ भी, तब तक प्रिपरेशन करना है, लेकिन लास्ट का पूरा एक महीना आपको कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़नी है, तब सिर्फ सारा का सारा रिवाइज करना है। तो ये मेन चीज़ें थी सर। स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, जब भी हम लोग प्रिपरेशन फेज में रहते हैं हम लोग हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, मोटिवेशन डाउन होते रहता है, तो आपको ये चीज़ें आपको भी हुई क्या और आपने इनके साथ कैसे डील किया? इट इज़ वेरी कॉमन क्वेश्चन अमंग द स्टूडेंट्स कि जब भी हम लोग नए रहते हैं, मुझे भी हुआ करता था, शायद आपने भी फेस किया होगा, उसे डील करने का तरीका कैसा, आपने कैसे किया उसको? मेरे को एक तो हमेशा मैंने जैसे कहा बैकअप रखना चाहिए। बैकअप से क्या होता है, अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेता कोई, सबको पता होता है कि अगर मैं ये चीज़ नहीं कर पाया तो मैं ये चीज़ कर लूँगा। और उसके बाद जैसे रिक्रिएशन तो ही इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स में बेस्ट रहता है, लाइक अगर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं थोड़ी सी फिटनेस रह भी रहनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल मेडिकल होगा और इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में ही फिटनेस मैटर करती है, वो देखते हैं कि फोर्सेज में तो फिट आदमी ही चाहिए और फिजिकल मेडिकल में भी थोड़ी सी हेल्प रहती है, तो अगर थोड़ा सा अगर रोज़ कर पाएँ थोड़ा सा आधा घंटा, तो वो मतलब वो पढ़ाई में भी हेल्प करेगा और वो फिजिकल मेडिकल और इंटरव्यू में भी हेल्प करेगा। बाकी आप लोग के क्वेश्चंस कोई नहीं है, क्या स्ट्रेटजी रखना है रिवीजन से? लास्ट मंथ में बता गया कि लास्ट मंथ मेरा रिवीजन था, तो वो सारा बुक्स को फिर से पढ़ा दिया कि सारे बुक्स का पर्टिकुलर नोट्स थे? वो आप ऐसा करिए, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखेंगे यूपीएससी के, तो आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं, वो पूछ के आ रहे हैं क्वेश्चंस में, तो जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उन चीज़ों को हाईलाइट कर लीजिए, लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बुक है वहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, और जो चीज़ चाहें नोट्स भी बना सकते हैं, आप ई नोट्स भी बना सकते हैं और आप मतलब हार्ड कॉपी में नोट्स भी बना सकते हैं, तो आपको सिर्फ वो चीज़ें रिवाइज करनी है लास्ट एक मंथ में, जो चीज़ें आपने हाईलाइट कर ली या जो आपने नोट्स बनाए थे उन चीज़ों को ही आपको लास्ट वन मंथ में रिवाइज करना है। अगर आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे तो नोट्स इतने बन जाएंगे कि आपको लगेगा उसको एक महीना याद करने में पूरा, और वो पूरा याद करना है, लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स है, CPCB ने कहा है स्टाल का डेटा के हिसाब से इतनी में से इतने रिवर स्ट्रेचेज जो हैं पॉल्यूटेड है, तो पूरा वो याद करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा लिखना है, तो उसमें मतलब पढ़ना पड़ता है उसको 5-6 बार, तभी वो पूरा याद हो पाता है, तो उसमें टाइम लगेगा। सर आपने CFP नहीं, इसका मतलब मेरे को डिफेंस में जाने का शौक था, तो मेरे लिए ये नहीं था कि फोर्स कौन सी मिलेगी, तो इसलिए जो लोगों ने सजेस्ट किया मैंने एक्चुअली वो डाल दी, मैंने ज़्यादा सोचा नहीं इस बारे में, तो मैंने CSF, SSB, ITAP, CRP, BSF ये मैंने डाल दी थी, उसमें यही रीज़न था उसमें बस कि एक तो CRP और BSF मेरे को फर्स्ट डालनी थी, बस उसमें थोड़ा सा ये था कि जैसे कहते हैं लोग ऐसा कि थोड़ी सी प्रमोशन अभी स्लो है और कोई रीज़न नहीं, नहीं तो मैं CRPF को ही फर्स्ट डालता, क्योंकि लेकिन सिलेक्शन के बाद बंदा आगे सोचता है कोई भी इंसान, तो कोई भी प्रमोशन कर रहा है सोचेगा ही सिलेक्ट हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने उसको रखा था, और कोई रीज़न नहीं। करंट अफेयर्स आप मतलब कंपाइलेशन फॉलो कीजिए, पहले स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंटरव्यू में न्यूज़पेपर पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, इंटरव्यू में आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे, और मेकर सोर्स तो मैंने आपको बताई थी GK Today और BGIS की मैगजीन्स थी। जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे उस टाइम आप अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते? टाइम मैनेजमेंट में मतलब आपको टारगेट्स ही कंप्लीट करने हैं, आप क्या करिए अपना टारगेट्स बना लीजिए, पूरे ये सोर्सेज हैं, इतने इतने दिन मुझे लगेंगे इस बुक को मुझे इतने दिन में करना है, आप पूरे टारगेट्स बना लीजिए, लाइक मैं ऐसे करता था, लाइक पूरी लेट से लक्ष्मी कांत है 600 पेजेस हैं, तो मुझे रोज 60 पेजेस पढ़ के 10 दिन में किताब खत्म करनी है, अब उसमें 1 घंटा लगे 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे, तो वो चीज़ मैटर नहीं करनी चाहिए, तो आप टारगेट सेट कर लीजिए वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मैंने तो लाइक मैं M.Tech में था तो मैंने M.Tech के साथ तैयारी की थी, उसके साथ ही मैंने एग्जाम दिया था, तो मतलब 2-3 घंटे भी अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो हो जाता है, लेकिन आप देखेंगे जो लोग आजकल वर्क कर रहे हैं, जो लोग जॉब कर रहे हैं, वो लोग IAS क्लियर कर रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेकंड रैंक आ रही है, बहुत अच्छी रैंक आ रही है, तो इससे तो प्रूव होता है कि ऐसा नहीं है कि 18-18 घंटे पढ़ने की जरूरत है। तो अगर आपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया था, जैसे आपने पहले पॉलिटी और ज्योग्राफी पढ़ा, फिर बाद में आपने इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री उठाया, या फिर
वो आप, हाँ वो आप अपने ऊपर नहीं कर सकते हैं। लाइक वो देखो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल है। मैंने ऑब्जर्व किया मेरे साथ ऐसी दिक्कत है, वही चीज़ें आपको इम्प्रूव कर रही है। मेरे साथ ऐसा जैसे मैंने हिस्ट्री पढ़नी शुरू की, 15 दिन हो गए लेकिन हिस्ट्री खत्म नहीं हुई, फिर मैं बोर हो जाता हूँ, फिर मैं हिस्ट्री को पढ़ना छोड़ दूंगा, मैं पक जाऊँगा 15 दिन में हिस्ट्री पढ़ के। तो मैंने अपने अपने बारे में ऑब्जर्व किया कि अगर मैं कोई भी सब्जेक्ट शुरू करूँ तो मुझे एक हफ्ते में उसे पढ़ना है, क्योंकि मुझे पता है मैं एक हफ्ते से ज़्यादा पढ़ ही नहीं पाऊंगा। एक हफ्ते ज्योग्राफी पढ़नी तो 8 दिन पढ़ने का मन ही नहीं करेगा और बोर होकर छोड़ दूंगा। तो मैं प्लान ऐसा बनाता था कि 7 दिन में 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म करनी है, फिर 10 दिन में हिस्ट्री खत्म करनी है। और दूसरी चीज़, आप सब्जेक्ट्स को उस ऑर्डर में ले सकते हैं जिसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज कीजिए पिछले 4-5 साल के और देखिए किस सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। आप वो सब्जेक्ट सबसे पहले पढ़िए, पॉलिटी के ज़्यादा आए हैं, ज्योग्राफी के ज़्यादा आए हैं, करंट अफेयर्स के ज़्यादा आए हैं, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ज़्यादा आए हैं, एंशियंट मेडिवल के इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आर्ट एंड कल्चर के तो लाइक मुश्किल से एक क्वेश्चन कोई आ जाता है तो आता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो आप उस ऑर्डर में सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। सर इंटरव्यू में जैसे पूछा जाता है कि आप एसएससी क्यों चुने हैं, सीआरसी क्यों चुने हैं, ये क्वेश्चन जनरली उनसे पूछा जाता है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या करते हैं सीएसएफ को पहले रख देते हैं, उनको लगता है कि हम वहाँ जाएंगे सीएसएफ में तो हम सिविल्स का प्रिपेयर कर पाएंगे। मेरे से कोई उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा ही नहीं, वाई सी ए पी एफ या वाई दिस प्रेफरेंस, उन्होंने कुछ ऐसा पूछा ही, उनको क्लियर था कि इसको जरूर है। वो ऐसा होता है डैप भरेंगे आप, तो डैप में आपसे भरवाएंगे कि आज तक आपने यूपीएससी के कौन कौन से एग्जाम दिए हैं और उनके क्या क्या रिजल्ट रहे हैं अदर देन सी ए पी एफ। तो मैंने उसमें भर दिया था एनडीए सी डी एस, तो उनको पहले पता था कि एनडीए दे रखा है सी डी एस दे रखा है, तो ये क्वेश्चन ही राइज नहीं हुआ कि आपने ए फोर्स क्यों नहीं भरी, ए फोर्स क्यों नहीं भरी। तो इसलिए मतलब मैं थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में अगर बताऊँ तो ये आप सबके लिए बेटर होगा। एक तो जैसे मैंने बता दिया कि बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना आना चाहिए। दूसरी चीज़, आप ये उनको दिखना चाहिए कि आपको सही में इंटरेस्ट है डिफेंस फोर्सेज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ सर ने भी मुझे बताई थी और एक्चुअली में ऐसा है, उनको अगर ये लगना चाहे अगर ये लगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, आपने सिर्फ एक ऑप्शन या बैकअप रखने के लिए एग्जाम दे दिया है, तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा नेगेटिव चला जाए और सिलेक्शन ना हो उस वजह से। तो फिर तभी ऐसे क्वेश्चन को पूछते हैं कि वाई सी ए पी एफ, आप सी ए पी एफ में क्यों आ रहे हैं, कौन सा ऑप्शनल है यहाँ क्यों, मतलब ऐसी है सब चीज़ें। मेरे साथ ये चीज़ें पूछी ही नहीं गई थी, मेरे से उन्होंने उल्टे क्वेश्चन पूछे थे कि आर्मी और सी ए पी एफ में आपको क्या क्या सिमिलरिटीज दिखती हैं, और अगर आपको उन्होंने कहा था कि अगर आपको सिलेक्ट कर लें तो आप खुश रह पाएंगे, ऐसा तो नहीं कि आपको आर्मी में जाना था और यहाँ आप खुश ना ही रहें। तो ये सब चीज़ें उन्होंने पूछी थी। और ऐसा क्यों है कि नॉर्थ इंडिया के जो लोग हैं हरियाणा यूपी के सबसे ज़्यादा यही आर्मी में जाते हैं, आपको क्यों लगता है ऐसा है, तो ये सब क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। किसका एनसीसी बैकग्राउंड? हाँ, ये बहुत सारे लोगों का डाउट है, तो इसके बारे में बता दूँ, लाइक कुछ बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो चाहिए, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। लाइक अगर ऑफिसर की डिसीजन मेकिंग अच्छी होनी चाहिए, और जैसे सर ने बताया कॉन्स्टिट्यूशनली आपको काम करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते गोली चला दी पब्लिक पे, ये चीज़ें इन चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये चीज़ें ठीक है, उसके बाद चीज़ों का फायदा मिलता है। आप फिट हैं तो उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, एनसीसी की है तो उसका एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने एनसीसी का रखे और आपकी डिसीजन मेकिंग खराब है और आपने इन क्वेश्चन का आंसर ही गलत दे दिया, तो फिर एनसीसी का कोई फायदा नहीं रहेगा। आपने मल्टीपल एग्जाम के प्रिपेयर कैसे किया, और ऐसे हम लोग काफी लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आपने क्या क्या कर दिया कि जो हम लोग को इमीडिएट हम लोग उसका भी कॉन्फिडेंट कर पाए? अब कुछ चीज़ें मतलब ऐसा है, लाइक मैंने जैसे कहा कुछ चीज़ें बहुत इंडिविजुअल है, तो बहुत ज़्यादा सारे एग्जाम्स की तैयारी करना वो एक तरीके से गलत भी है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह आपका फोकस डिवाइड हो जाता है, और वो चीज़ थोड़ी सी इसलिए सही है क्योंकि बैकअप क्रिएट हो जाते हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा आप कितने पर फोकस कर सकते हैं। बट मैं ये रिकमेंड करूँगा अपनी साइड से कि आप वो एग्ज़ाम दीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। अगर आपको लगता है आप सी ए पी एफ क्लियर कर लेंगे तो आप उस पर फोकस कीजिए, अगर आपको लगता है आप सी डी एस एफ कैट, मतलब जिस एक आप प्रायोरिटी सेट कर लीजिए। मुझे पता था इस साल मेरी प्रायोरिटी सी ए पी एफ है क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट है, कैट का तो मुझे पता था अगले साल भी हो जाएगा, कैट की कोई एज लिमिट नहीं है, तो इसलिए सी ए पी एफ वॉज दी प्रायोरिटी। तो आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लीजिए, ये प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करते हैं? MCQ मैं तो प्रीवियस ही पेपर से प्रैक्टिस करता था UPSC, और उसमें आप मतलब वहीं आप देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कौन से क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप उसको पढ़िए दोबारा। जो सोर्सेज है क्वेश्चन उन्हीं मतलब सोर्सेज से हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये जो सोर्सेज हैं इनसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, इनसे ही हो जाते हैं। वो थोड़ा सा ऐसा होता है कि थोड़े बेसिक्स नहीं समझे और थोड़ा डिटेल में अगर नहीं पढ़ा, अगर आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हो जाते हैं उनसे सारे। सर आपके लास्ट टू अटेम्प्ट्स में आपका स्कोर क्या था और 2019 में कितना स्कोर था? मेरा पेपर मतलब 19 के भी वैसे मार्क्स आए नहीं है, बट पेपर 1 के हमको पता है, वो मेरे 132 बन रहे हैं। ओके,
ठीक है। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में जो स्कोर था पेपर वन में वो था 90 और सेकंड अटेम्प्ट में 98 ऐसे था। सर व्हाट वाज द मेजर डिफरेंस इन योर प्रिपरेशन फ्रॉम गोइंग 90 to 132? हाँ तो वो एक तो ये था कि रिवीजन पे फोकस करना, सोर्सेज को लिमिटेड करना, जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए ज्योग्राफी की 10 किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब 10 किताब पढ़ेंगे तो वो रिवाइज भी नहीं हो पाएंगे फिर इतनी सारी। तो उसके बाद सेकंड थर्ड चीज़ जो थी वो थी गेस वर्क को इम्प्रूव करना, जैसे कि मैंने बताया कि आपको गेस वर्क यूज़ करना पड़ेगा, वहाँ 40 क्वेश्चन होंगे वो आते होंगे एग्जैक्ट, तो 80 मार्क्स तो आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद 80 से लेके 140 तक अगर जाना है तो आपको थोड़ा सा मतलब गेस वर्क इम्प्रूव करना पड़ेगा, कैलकुलेटेड गेस लगाने पड़ेंगे, दो ऑप्शन पता लग जाएगा लिमिटेड करके कि शायद से ये है, बट दो में आपको डाउट होगा। एक्यूरेसी का ऐसे होता है जैसे अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे एक क्वेश्चन आपका सही होता है और 3 गलत होते हैं तो वो 0 पे आता है, उसमें ना आपको कुछ मिलेगा ना तो जाएगा, तो एक्यूरेसी मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन सही, अगर आप तुक्के मार रहे हैं और 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं 2 गलत हो रहे हैं तो भी ओवरऑल पॉजिटिव ही है, ओवरऑल उसको रेडी हो रहे हैं। तो मतलब ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए और ज़्यादा मॉक पे फोकस करना चाहिए। हाँ और मतलब मैं वैसे बताऊंगा जैसे रोमन सैनी सर हैं, उन्होंने भी ये स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि सीएससी के पेपर उठाओ, लाइक सीएपीएफ से थोड़ा सा टफ है सीएससी क्योंकि उसमें साइंस और मैथ्स के थोड़े इजी क्वेश्चंस नहीं है, तो सीएससी के पेपर अगर आप लें और आप उनसे प्रैक्टिस करें कुछ नहीं बिना पढ़े अटेम्प्ट करने के, कि अगर सही में एग्जाम चल रहा है टाइमर लगा के मैं ऐसे ऐसे अटेम्प्ट करता तो आपको पता लग जाएगा आपका गेस वर्क कितना सही है और आपके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सर 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन पता रहेगा क्या 2 ऑप्शन में से होंगे तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही है, छोड़ना ही है, लेकिन 2 आप इलिमिनेट कर पा रहे हो तो श्योर शॉट करना ही है उसको। और फिजिकल मेडिकल का मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, फिजिकल में वैसे तो अभी जरूरत नहीं है इतनी, बस ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई 30 या 40 kg ओवरवेट हो गया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मतलब अब फिजिकल के बाद आपको इनफ टाइम मिलता है प्रिपेयर करने का, बाकी मैं ये बताना चाहूँगा फिजिकल को लाइटली मत लें, 50% लगभग जो है रिजेक्शन रेट है फिजिकल रेट है। और लड़कियों के लिए फॉर फीमेल कैंडिडेट्स अप्रॉक्सीमेटली 90-95% रिजेक्शन रेट है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसा है कि फीमेल्स को ज़्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं मिलता और फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और सेफ्टी रीजंस की वजह से भी बहुत सारी फीमेल जो है वो नहीं कर पाती स्पोर्ट्स और ये सब। तो मैं बता देता हूँ फिजिकल में ऐसा था लाइक 30-30, 40-40 के बैचेस बन गए थे, और बॉयज़ में रेशियो ऐसा था 40 में से अगर 30 आए हैं तो 30 में से 15-14 का फिजिकल क्लियर हो रहा है, 20 का भी क्लियर हो रहा है। गर्ल्स में रेशियो ये था कि 30 गर्ल्स अगर आई हैं तो 1 या 2 का हो रहा है, नहीं तो 30 के 30 आउट हो रहे हैं फिजिकल। मेडिकल में तो ठीक है, मेडिकल में रेशियो इतना बुरा नहीं है, मेडिकल में तो 2-4 ही होते हैं जो मतलब कुछ को रीमेडिकल मिलेगा और जनरली मेडिकल हो जाएगा क्लियर, बट फिजिकल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और फिजिकल में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मतलब रनिंग में क्या होता है आपके साथ बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, तो कोई धक्का देके भगा देगा तो आप कर लेंगे, रनिंग में ये चीज़ होती है, दूसरों को देख के आप भाग लेंगे दूसरों के साथ। लॉन्ग जंप में क्या इशू है, लाइक 2 लाइन होती है, एक जंप ऑफ मतलब जहाँ पे आप टेक ऑफ करेंगे और एक लैंडिंग लाइन जो होगी वहाँ पे 3.5 मीटर्स आपको सब लॉन्ग जंप करनी है, दोनों में से एक भी लाइन टच हो गई तो सीधा फॉल कर देंगे, और कुछ सेंटर ऐसे होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आप ये लगा लीजिए 3.5 मीटर तो 2 लाइन का गैप है, आपको एक्चुअली में 4 कूदना है, क्योंकि थोड़े से पहले से आप टेक ऑफ लोगे और थोड़े से दूर आप लाइन से आगे कूदोगे तो 4 हो गया, तो थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, 3.5 नहीं एग्जैक्ट, वैसे ही शॉर्टपुट के लिए, शॉर्टपुट की अगर ये लाइन है तो मैं बिल्कुल लाइन पर तो खड़ा होऊंगा नहीं, थोड़ा सा मैं गैप लेके पीछे खड़ा होऊंगा कि लाइन टच होगी तो फॉल हो जाएगा, तो 4.5 से थोड़ा सा ज़्यादा ही पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी मतलब लॉन्ग जंप में बहुत ज़्यादा मतलब रिजेक्शन रेट था, हाईएस्ट रिजेक्शन लॉन्ग जंप में था, हमारे बैच में 30 आए थे और 30 में से लगभग 14 ऐसे थे जो लॉन्ग जंप में बाहर हुए थे। कुछ लोग एकदम फ्लैट जंप मारने का कोशिश करते हैं, कुछ लोग एकदम ऊपर ही कूदते हैं, कुछ लोगों का बॉडी पहले चला जाता है, कुछ लोग के पैर आगे जाते हैं, हाथ पीछे रह जाते हैं, तो पूरे बॉडी को साथ में लेके जाने के टेक्निक्स है वो जिसको आगे, तो अदरवाइज विद प्रैक्टिस लॉन्ग जंप होता है। और लॉन्ग जंप का दूसरा सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, जब लोग आप लोग जब लॉन्ग जंप का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो ना, आप वो खुदे हुए ग्राउंड पे नहीं करते, सैंड पे नहीं करते,
मेरे ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स से डायरेक्ट इंजोर हो गए प्रैक्टिस में, उधर पीटी जाने से पहले ही लिगामेंट टियर हो गए, ये सब भी बहुत होता है। और लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस वैसे भी शुरुआत से नहीं करना चाहिए, पहले रनिंग का प्रैक्टिस करना शुरू कर दो अगर आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। सो जैसे रिटन एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगा रनिंग का प्रैक्टिस करो, तो रनिंग के प्रैक्टिस से ऑलरेडी आपके मसल स्ट्रेंथनिंग और फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी आ रहा है, और लास्ट के 15-20 दिनों में से लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस किया तो भी हो जाएगा। लेकिन पहले दिन से लॉन्ग जंप का प्रैक्टिस करोगे देयर इज वेरी हाई चांस ऑफ गेटिंग इंजर्ड, या तो हैमस्ट्रिंग पुल हो जाएगा या कोई मसल स्प्रेन आ जाएगा या लिगामेंट टियर हो जाएगा। सर कितना टाइम मिलता है रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के बीच में? रिजल्ट आने के बाद फिजिकल के बीच में, रिजल्ट टू फिजिकल 2-2.5 महीना मिनिमम मिलता है, उतना सफिशिएंट है अगर ठीक से कर लिया तो। अंडर अनलेस आप बहुत ज्यादा ओवरवेट हो या कोई बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम, आपने कभी कुछ फिजिकल किया ही नहीं है, अदरवाइज मिलता है। लेकिन ओवरवेट का भी प्रॉब्लम आपने रनिंग और फिजिकल क्लियर कर लिया ना, तो ओवरवेट कम करने के लिए और 40 दिन मिल जाएंगे। रिव्यू मेडिकल में, री मेडिकल में किया जा सकता है। रनिंग के लिए टाइम पूरा देता है, रनिंग क्या जो नॉक नहीं है ये एक रेंज है, कंप्लीट जब तक फ्लैट फुट नहीं है, अगर आपके आर्चेस थोड़े बहुत भी डेवलप्ड है तो वो अलाउ कर देंगे, लेकिन कंप्लीट फ्लैट फुट है तो वो अलाउ नहीं करेंगे। इट इज अ रेंज, मेडिकल कंडीशंस में हमेशा रेंज रहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक नॉर्मल है, हम लोग अलाउ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल CEPF में जो कलर परसेप्शन है आंखों का, तो CP3 अलाउड है, CP3 इज फॉल्टी नॉर्मल, CEPF में अलाउड है। अदरवाइज आप आर्मी और नेवी एयरफोर्स उधर देखोगे तो CP3 अलाउड ही नहीं है, वहां पे CP2 तक कलर परसेप्शन नॉर्मल ही चाहिए। एयरफोर्स में पायलटिंग वगैरह करने के लिए CP1 चाहिए रहता है, CP1 मतलब ये अबव नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है, बहुत कम लोगों को उतना परसेप्शन रहता है, वो अलाउड है। CAPF में बाय एंड लार्ज इट इज अ रेंज, दे आर वेरी टॉलरेंट अबाउट द फिजिकल रिक्वायरमेंट्स। सो नॉक नहीं भी, बहुत लोगों को लगता है कि घुटना एक दूसरे को चिपक गया, नीज एक दूसरे को टच कर रहे, मतलब नॉक, उसका मतलब नॉक नहीं है। नॉक नहीं मतलब नीचे जो बोनी प्रोमिनेंसेस है जब टच होता है उसके बीच में 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं रहता लगता है। और गूगल पे यूट्यूब पे जितने भी सारे वीडियोस है ना, ये सभी वीडियोस पीटी के टीचर ने बनाए हुए हैं, फिजिकल ट्रेनर्स ने बनाए हुए हैं, जिनको मेडिकल के बारे में कुछ भी नहीं पता। सो अगर आपको नॉक नहीं जज करना है तो बेसिकली आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना चाहिए, वो लोग आपको बता देंगे सर ये क्राइटेरिया है, मैं बैठ रहा हूँ कि नहीं बैठ रहा हूँ बताइए, वो लोग आपको क्लियरली बता देंगे। ये एम्बिग्यूटी नहीं रहेगा, सेल्फ डायग्नोसिस करने के लिए मत जाइए, ये डायलेमा रहता है, फिर आप हाफ आर्ट प्रिपरेशन करते हो ना, एग्जाम निकलता है ना उधर तक पहुँचते हो। सर फ्लैट फुट के लिए सर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना, वो ऐसे दबाने प्रेस करना चाहिए? नहीं देखो, आर्चेस डेवलप करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस है, लेकिन जरूरी नहीं है वो डेवलप हो जाएंगे। कुछ चीजें की जा सकती है, थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं किया जा सकता, डिपेंडिंग अपॉन कि आर्चेस है या नहीं है, नहीं होंगे तो लाना बहुत मुश्किल है। आप ऑर्थोपेडिक अपने सर्जन से एक बार बात कर लीजिए, वो आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बता देंगे। सर आई टेस्ट में जो इशारा प्लेट्स होती है वो दिखाते हैं? हां यस सर, उसमें ये दिखते हैं, वो टफ रहती है कि इजी रहती है? टफ और इजी कुछ नहीं, इशारा का पूरा पूरा ही बात है, पूरा पूरा बात है, पूरा ही बताना पड़ेगा। शॉर्ट पुट में नेक्स्ट स्टेप वेट क्या होता है? शॉर्ट पुट में आई थिंक 7 kg का है वो, शॉर्टपुट आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टपुट में आप मिस्टेक करते हो, आप बॉल की तरह टेनिस बॉल की तरह फेंकने के लिए जाते हो, नहीं जाने वाला, आप उंगलियों से फेंकोगे नहीं जाने वाला, आपको पूरा पैर का ताकत, शोल्डर का ताकत, इधर इधर यहाँ से फेंकना पड़ता है, कंटिन्यूसली फेंकना पड़ता है, चला जाता है शॉर्टपुट। शॉर्टपुट में रेयरली कोई फेल होता है, शॉर्टपुट में फेल इसलिए होते हैं वो फाउल करते हैं, ठीक है ना, आगे ही चला गया, लाइन को टच कर लिया, और शॉर्टपुट में अटेम्प्ट नहीं है, अदरवाइज शॉर्टपुट में वैसे फेल नहीं होते हैं। सबसे अगर रिजेक्शन जो होता है वो लॉन्ग जंप में होता है, उसके पहले अगर हो रहा है सबसे पहले 100 मीटर होगा, उसके बाद 800 मीटर होगा। 800 के लिए सर जो टाइम अलॉट है वो 3.45 मोर देन इनफ है, पहले तो पूरा टाइम देते हैं ना? हां हां, पहले तो 3 मिनट का टाइम 2.45 था, बाद में बढ़ा के जो कोई नहीं क्वालीफाई कर रहा था इसलिए 3.45 किया, इट इज ऑलरेडी मोर देन इनफ। सीपी में लॉन्ग जंप का डिस्टेंस बनाना 3.5 मीटर, 5 मीटर
उनका तो ज्यादा है ना, हेड कांस्टेबल का ज्यादा है, कांस्टेबल का ज्यादा है, आर्मी जवान का ज्यादा है, उनका सबका ही ज्यादा है। सबसे कम अगर किसी का है तो सीनियर लेवल असिस्टेंट कमांडर का, सभी लॉन्ग जंप भी, 100 मीटर भी, 800 मीटर, सबसे कम अगर किसी का है, मतलब सबसे आसान किसी का है, असिस्टेंट कमांडर। छपरा में हुआ था सेकंड रिटर्न भी हम बाद में बैल पैक सर वो प्रीलिम्स के लिए कितना क्वेश्चंस मैं सही कर सकता हूँ ताकि रिजल्ट सिक्योर हो जाए? मेरे हिसाब से 130 प्लस मार्क्स आपके आए तो 65 क्वेश्चंस तो आपको मतलब नेट करेक्ट बोलते हैं उसे, नेगेटिव हटा के 65 तो मिनिमम चाहिए आपको करेक्ट। हिस्ट्री में क्वेश्चन ज़्यादा किस क्वेश्चन से आते हैं? हिस्ट्री में अभी देखो ऐसा होता है, मैं एक चीज़ और बताऊँगा, 17 में मेरा पेपर जो फेल हुआ था उसका एक और रीज़न है, मैंने 14, 15, 16 के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया था और अगर पेपर देखोगे तो 17 में एकदम से क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो गया और इसलिए पेपर फेल हो गया। तो प्रीवियस ईयर पेपर को देख के तैयारी करना अच्छी बात है लेकिन थोड़ा सा आपको लेके चलना पड़ेगा कि ऐसा भी हो सकता है पेपर चेंज ही हो गया एकदम से, थोड़ा सा मतलब क्वेश्चंस को ज़्यादा डीप में पूछ लिया, तो इसलिए वैसे तो वैसे हिस्ट्री से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, अब वो हमेशा आए लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एंशियंट मीडियम पढ़े ना बिल्कुल भी, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ चेंज हो जाए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। पेपर वन में एक तो यही कि आपको सोर्सेज लिमिटेड रखने हैं, उसके पास रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गेस वर्क आपको बहुत ज़्यादा अपना इम्प्रूव करना है, एक्यूरेसी अच्छी खासी होनी चाहिए और पेपर आप अटेम्प्ट कर पाए पूरा, और मार्किंग कुछ लोग ओएमआर में क्वेश्चन ही गलत मार्क करके आ गए हैं वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों ने जैसे मैं कॉमन अगर मिस्टेक्स बताऊँ जो मैंने देखी हैं, और कुछ लोग ऐसे करते हैं कि लास्ट के 10 मिनट में मार्क करेंगे और वो टाइम हो जाते हैं मार्क ही नहीं कर पाते, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो आप मतलब लास्ट के एटलीस्ट आधा घंटा कुछ टाइम मार्क करने के लिए आप रख लीजिए, मार्क आप ढंग से करिए ओएमआर में बबल्स उसमें केयरफुली भरिए रोल नंबर ये सब चीज़ें, और पेपर टू में ऐसा पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी में जनरली 50% का मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो 200 का अटैम्प्ट करेंगे तब 100, 105, 110, 90 प्लस ऐसे मार्क्स मिलेंगे। जब आपने अटैम्प्ट 160 का किया है तो मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। पेपर वन पेपर टू मेरा आज तक कंप्लीट नहीं हुआ था 17-18 में, 19 में ही पेपर टू जो है कंप्लीट किया था, मैं सोच के गया था कि इस बार कंप्लीट करना ही कैसे, तो पेपर टू कंप्लीट करना है आपको और ये इंपॉर्टेंट है। सर इसमें कोई क्रोनोलॉजी होती है कि कौन सा ऐसे पहले अटेम्प्ट करना है या कौन सा नहीं? ऐसा कुछ नहीं, वो आपकी मर्जी है, बस आपको उसके आगे वो लिखना होता है उसका क्वेश्चन नंबर क्या है वो आप सही से मेंशन कीजिए उसमें, वैसे तो ऐसे का टॉपिक नहीं होगा उसका, हाँ पूरा बुकलेट लिखी होती है उसमें उसमें लिखा होता है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ऐसे को ज़्यादा लंबा ना लिखकर थोड़ा कम लिखकर कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं? नहीं जितने वर्ड्स देखो लिखने हैं उतने तो आपको लिखने पड़ेंगे, बड़ा ये है जैसे मैं 4 पेज थे तो मैंने कोई भी ऐसे 1.5 पेज से ज़्यादा का नहीं लिखा था। सर वही चीज़ पूछी कि उसे कैसे इतना मतलब नहीं, मेरे को जितना पता है यूपीएससी में जैसे आप बाकियों को भी देखेंगे वो उन्होंने बताया कि टू द पॉइंट लिखने के बहुत मार्क्स मिलते हैं, तो आपको टू द पॉइंट लिखना है, आपको उसमें मतलब कोई भी अननेसेसरी चीज़ें नहीं लिखनी है, जितना टू द पॉइंट आप लिखेंगे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू द पॉइंट आप लिखेंगे तो वो 1.5-2 पेज में ही कंप्लीट हो जाएगा। स्ट्रेस भी हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंगर मैनेजमेंट भी नहीं हो पाता है कई बार, ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता हूँ मैं कोप अप नहीं कर पाता अब इसके साथ, तो मतलब ऐसा होता है जनरली देखे तो इसके लिए क्या आपका मैनेजमेंट क्या है? नहीं बस इसके लिए आप ये है कि टारगेट अपने 7-8 घंटे पढ़ रहे हो तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। हाँ तो आप मतलब टारगेट्स अपने ऐसे रखें उसको जैसे वो ईजी रहे पढ़ने में, इतना ज़्यादा भी ज़रूरी नहीं है कि रोज़ 10-12 घंटे पढ़ना ही है, तो वही इंपॉर्टेंट है टारगेट्स कंप्लीट। देखो ऐसा होता है जैसे मैं बताता हूँ, अपने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की और 20 दिन में हिस्ट्री पूरी नहीं हुई तो आपको वैसे ही डिमोटिवेशन लगेगा कुछ नहीं हो रहा। अगर आप ऐसा करेंगे कि जैसे मेरे साथ ऐसा होता था, मैंने हिस्ट्री पढ़नी स्टार्ट की और 10 दिन में हिस्ट्री पढ़ ली तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आएगी कि हो रही है प्रिपरेशन हो जाएगा, फिर 10 दिन में ज्योग्राफी भी होगी तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ हो जाएगा,
तो पॉजिटिव लगेगा कि हो जाएगा। तो फिर आप साथ में क्वेश्चन भी करते हैं प्रीवियस ईयर, तो आपको लगेगा कि हाँ हो जाएगा। तो ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप टारगेट्स अपने कंप्लीट करते रहे मिड टाइम। तो आप सब्जेक्ट पूरा करके मॉक्स शुरू करते थे या फिर साथ में? मैं ये रिकमेंड करूंगा पहले सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले पेपर देखने हैं 2-4 साल के, ताकि पता लग जाए क्वेश्चन आए कहाँ से और कैसे क्वेश्चन आए। उसके बाद सब जब पढ़ लिया आपने सोर्सेज, उसके बाद फिर आप अटेम्प्ट करके देखें पेपर। और मैं अपनी तरफ से मतलब एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे वैसा होता है, क्योंकि मेजॉरिटी जो रिजेक्शन है वो एग्जाम में ही हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसिस है एग्जाम के ऊपर। लेकिन आप एक बार समझिए, एक कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, वो एग्जाम में फेल हो गया, एक ने एग्जाम दिया फिजिकल मेडिकल दिया इंटरव्यू दिया और वो लास्ट में सेलेक्ट नहीं हुआ, सबके लिए दोनों सेम है। लास्ट में मैटर ये करता है फाइनल सिलेक्शन किसका हुआ, अकेडमी में कौन गया, ऑफिसर कौन बना, है ना, किसी में भी चाहे CDS है चाहे FCAT है, ये मैटर नहीं करता आप किस स्टेज में बाहर हुए। तो अगर आप एग्जाम अभी दे रहे हैं तो इतना भी आप माइंड में रखिए कि कल को आपको इंटरव्यू भी देना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम देते रहे हैं और चीज़ें सीखी नहीं, बोलना बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल भी कोई हॉबी नहीं है और फिजिकल फिटनेस बिल्कुल ख़राब हो गई है, तो वो चीज़ें फिर प्रॉब्लम में डाल देती हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं लेकिन बिल्कुल भी बोलना नहीं आता, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है बोलने में, बिल्कुल भी डिसीजन मेकिंग नहीं आती और अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो आप मतलब सब कुछ आप ध्यान में रखिए कि इंटरव्यू भी देना है आपको। इंटरव्यू में आपसे करंट इशू से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था? मेरे से उन्होंने एक तो ये पूछा था गलवान में जो हो रहा है उसके बाद इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, और उन्होंने मुझसे मतलब इंटरव्यू में था करंट बहुत सारा, बट जैसा मैंने देखा है कि वो एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं UPSC, ओपिनियन बेस्ड डिसीजन मेकिंग देखने वाले मतलब रट्टा वाले क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। तो हेडलाइन मुझसे पूछी थी कि आज के न्यूज़पेपर में क्या क्या हेडलाइन है, उस दिन के न्यूज़पेपर आपको जरूर पढ़ के जाना है, ये तो हर मतलब बंदा बोलता ही है, और स्पेशली अगर आपका इंटरव्यू आफ्टरनून स्लॉट में मेरा दिन में था 1 बजे, और तो अरावलीज के बारे में पूछा था, आपके स्टेट के बारे में अगर आपका स्टेट का कोई भी इशू है जिस स्टेट के आप हैं तो वहाँ का आपसे पूछ लिया जाएगा। तो अरावलीज के बारे में मुझसे पूछ लिया था कि अरावलीज की डिटोरेशन हो रही है उसके लिए क्या क्या स्टेप लिए जाने चाहिए। बाकी आप थोड़ा सा भी अगर बता देंगे, बहुत ज़्यादा पोलाइट और बहुत ज़्यादा सिंपल इंटरव्यू होता है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पोलाइटली वो बात करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी बता देंगे वो खुद ही आपका आंसर कंप्लीट कर देते हैं। ऐसा है तो फार्मर्स प्रोटेस्ट में पूछा था लाइक आपका क्या ओपिनियन है, मतलब फार्मर्स बिल्स पे आपका क्या ओपिनियन है, तो मैंने यही कहा था कि अच्छा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है, बट फार्मर्स इलिटरेट हैं तो एक्सप्लॉयटेशन भी हो सकती है। तो उन्होंने कहा फिर अगर इतना फायदेमंद है तो प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? तो मैंने कहा उनको लगता है कि वो एक्सप्लॉयट हो जाएंगे, तो मैम ने खुद ही बोल दिया अच्छा आपको लगता है फ्री एंशन है मैं केस में, तो मतलब ऐसे वो ऑटोमेटिकली कम्प्लीट कर देंगे वो, इसमें इतना नहीं है, बस ऐसा है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ओपिनियन आपको नहीं देना है किसी चीज़ के ऊपर। सिचुएशन भी पूछी थी कि रायट्स हो गए हैं और बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए हैं, तो आप क्या करेंगे? तो वही कि नॉन लिथल मेथड्स हम यूज़ करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट का राइट है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, फिर अगर प्रोटेस्ट हो जाते हैं तो नॉन लिथल मेथड्स हैं जैसे टीयर गैस है, वाटर कैनन है, वो चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो मतलब आपको ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया कि बिल्कुल गोलियाँ चला देंगे और ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इंटरव्यू मतलब सिंपल होता है, बस इंटरव्यू में एक चीज़ और जैसे मैंने ये भी देखा था, ये मैंने पाथफाइंडर में देखा था जब आए थे यहाँ पे इंटरव्यू क्लास करने, कुछ लोगों ने अपनी मतलब ऐसा मिसकंसेप्शन है कि लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर वो ये कहेंगे कि सोशल सर्विस में उनका बहुत इंटरेस्ट है तो सेलेक्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों ने अपनी हॉबीज ऐसे लिखी हुई है, मेरी हॉबी है कुत्तों को खाना खिलाना, ये सही में लोगों ने लिखा है, और कुछ लोगों की हॉबी है मेरी हॉबी है गरीब लोगों को खाना खिलाना, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। अभी आपके पास खुद अनएम्प्लॉयड हो तो ये आप कैसे कर सकते हो, आपके बाकी वो खाना खिला रहे हो, है ना, तो आपको मतलब जो आपकी हॉबी है जो मतलब जेन्युइन जो चीज़ है वो लिखनी है। लाइक मैंने बस इतना लिखा था मेरी हॉबी रनिंग है और डिफेंस के ऊपर मैं बुक्स पढ़ता हूँ जिससे लगे मतलब जिससे था भी इंटरेस्ट और उनको और ज़्यादा लगेगा कि हाँ इंटरेस्ट है, तो वो इतना ही बहुत है। सर आप जैसे बीटेक किए हुए हैं तो आप पूछेंगे कि आप बीटेक का जॉब क्यों किया? ऐसा वो नहीं पूछते हैं, देखिए मतलब ऐसा वो क्वेश्चन जनरली नहीं पूछते हैं, बट आप कह सकते हैं कि आपको इसमें इंटरेस्ट है इसलिए आप जाना चाहते हैं, मतलब वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते यूपीएस में। जब गैप हो गया तो फिर सर मेरा 19 से पास आउट है बीटेक से, वो मैटर नहीं करता, उन्होंने मेरी एमटेक का भी नहीं पूछा था, मेरा 17 का हो रखा था बीटेक, क्योंकि मैं एमटेक में था तो डैप में सिर्फ ये मारा होता है कि आपकी कौन सी क्वालिफिकेशन हो चुकी है, तो बीटेक उसमें लिखी थी 17 ने पास आउट है, एमटेक का कुछ लिखा ही नहीं था, तो 3 साल हो चुके तो उन्होंने ये चीज़ पूछी नहीं। अगर आप इंटरव्यू में आए हो, अगर आप इंटरव्यू तक पहुँच गए हो चाहे सिविल सर्विस के चाहे CAPF के, ये जस्टिफाइड है ऑलरेडी कि आपने मेहनत की है तभी आप वहाँ बैठे हो, आप पढ़े हो 3 साल अच्छे से तभी तो आप वहाँ पहुँचे, तो ये चीज़ पूछेंगे नहीं कि आपने जॉब क्यों नहीं की।
सर आपके बीटेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे इंटरव्यू। हाँ, वो ये जरूर पूछते हैं, जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी जो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट है उसको आप कैसे यूज करेंगे सीएपीएफ में। इसका आंसर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें। आपकी ब्रांच रिलेटेड कोई क्वेश्चन? ब्रांच रिलेटेड जनरली नहीं पूछते, जनरली नहीं पूछते हैं, बट इसके उसकी ब्रांच की एप्लीकेशन जरूर पूछते हैं सीएपीएफ क्या उसको ऐसे यूज करेंगे। और एकेडमिक्स मैटर करता है इंटरव्यू में या सब कुछ मैटर करता है? सब कुछ मैटर करता है इंटरव्यू में, ठीक है, देखा जाए तो सब कुछ मैटर करता है, लेकिन परफेक्ट प्रोफाइल किसी का भी नहीं। मतलब एज मिलता है अगर अच्छे मार्क्स हैं। बिल्कुल, लेकिन परफेक्ट किसी का प्रोफाइल नहीं। जैसे मैंने कोई एसएससी नहीं की, मैं किसी सैनिक स्कूल में नहीं पढ़ा, ठीक है, मार्क्स अच्छे हैं और सब चीज़ें ठीक है। कोई ऐसा होगा जो सैनिक स्कूल में पढ़ा है लेकिन हिंदी मीडियम का है फॉर एग्जाम्पल, तो सब किसी की भी प्रोफाइल परफेक्ट नहीं, वो एमबीए में बोलते हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन सबका है, तो जितना अच्छा लेकिन आप बना सकते हो उतना बनाए, वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं इंटरव्यू के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, थोड़ा सा ऐसा रहा है, लाइक पैनल में कुछ साउथ इंडियन मेंबर्स भी थे वहाँ पे, तो बहुत सारे हमारे जो मतलब कैंडिडेट थे, साथ के दोस्त थे जो मतलब रूरल एरिया से आए थे जिन्होंने हिंदी मीडियम चुना था, उनको थोड़ी सी इंटरव्यू में दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ साउथ इंडिया के मेंबर्स थे, उन्होंने इंटरव्यू में साफ बोल दिया कि हमें तो हिंदी नहीं आती, आप इंग्लिश में आंसर दीजिए। तो थोड़ी सी इतनी इंग्लिश आप सीख लें कि चाहे टूटी फूटी इंग्लिश में आप बता पाएँ और इंग्लिश समझ पाएँ। कुछ लोगों ने लाइक ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है कि क्वेश्चन कुछ और ही पूछा है, सिचुएशन कुछ और ही पूछा है और आंसर कुछ और ही दे दिया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ें बिल्कुल आपको अवॉइड करनी है। तो थोड़ी सी मैं कहूँगा, मेरा सजेशन ये है इस चीज़ को देख के कि थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए, सही सिचुएशन आप हैंडल कर पाए। और जितने भी लोगों ने हिंदी में इंटरव्यू दिया उन सबसे ये क्वेश्चन तो पूछा ही है कि सपोज कल को आपको इंग्लिश में बात करनी पड़ जाए, अभी हम आपका इंग्लिश में इंटरव्यू लेंगे तो आप क्या करेंगे, तो थोड़ी सी इंग्लिश मतलब आप सीख लें। मुझे ऐसा लगा जो जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा औरों के साथ भी, इंटरव्यू में जो यूपीएससी का इंटरव्यू होता है सिविल का और इसका, वो मतलब उसमें कैंडिडेट वो बाहर नहीं करेंगे कैंडिडेट को, एक तरह से खुद ही कैंडिडेट कुछ ऐसा कर देता है कि वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपको वो गलतियाँ नहीं करनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया सिचुएशन का बिल्कुल ही गलत आंसर दे दिया और जो वो पूछ रहे हैं आपने कुछ और ही बता दिया, ठीक है। कोई चीज़ हाँ मैं ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा ज़रूर, जैसे मेरा दोस्त है मयंक, उसकी लास्ट ईयर 16 रैंक आई थी 2018 में सीएपीएफ में, मेरी तो ये 102 आई है इस बार, हम दोनों की अच्छी खासी इंग्लिश, हम दोनों दिल्ली के रहे हैं, लेकिन हम दोनों को जब वो बोली उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा, हमको एक एक वर्ड का मतलब ही नहीं समझ में आया, जिसकी वजह से उनको क्वेश्चन का ही मतलब नहीं समझ में आया, तो हमने सीधा क्वेश्चन का मैंने पूछ लिया कि सर मेरे को इस वर्ड का मतलब नहीं पता। तो ये चीज़ आपको करनी है, बहुत बार ऐसा हो सकता है चाहे आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं पूरी डिक्शनरी आती है हमें, तो हो सकता है वो कोई एक वर्ड ऐसा बोल दे जिसकी वजह से क्वेश्चन ना आए समझ में, तो आप ऐसे में बोल सकते हैं कि सर मुझे इस वर्ड का मतलब नहीं पता, काइंडली रिफ्रेश द क्वेश्चन। तो अगर कहीं भी आप गेस नहीं, उन्होंने मेरे से पूछा था इंडिया के कितने ऐप बैन किए, मैंने इसका गलत आंसर दिया था, उन्होंने पूछा था कि इंडिया ने कितने ऐप बैन किए चाइना के, क्योंकि नोट्स मेरे जो थे वो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस के हो गए थे और वो रिवाइज हो नहीं पाए, फिर इतने ज़्यादा नोट्स हो गए थे क्योंकि हमारा इंटरव्यू थोड़ा लेट हो गया था कोविड की वजह से, तो उन्होंने पूछा था कितने ऐप बैन किए हैं, टोटल वैसे 208 ऐप बैन किए हैं, 208 ऐसा कुछ, बट एक मतलब एक बारी में 183 बैन किए थे लेटेस्ट, मुझे 183 आते हैं, तो क्लियरली मुझे याद नहीं था, मैंने बोला सर कैन आई मेक अ गेस, फिर उन्होंने बोला हाँ बताओ, फिर मैंने बोला 183, तो ये आंसर गलत था, लेकिन उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि मुझे क्लियरली नहीं आता, मैं एस्टिमेट लगा रहा हूँ। तो आप ऐसी जो कि परमिशन ले लें पहले, कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो सीधा पूछ लें। उन्होंने अरावलीज का पूछा था डिस्ट्रक्शन हो रही है, उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक टर्म यूज़ की थी इसके लिए, मुझे पता ही लगा उन्होंने क्या पूछा, तो मैंने बोला सर मुझे इस टर्म का मतलब नहीं पता जो आपने यूज़ किया, तो आप काइंडली क्वेश्चन को दोबारा मतलब रिफ्रेश कीजिए, तो उन्होंने फिर क्वेश्चन को रिफ्रेश किया और उन्होंने बता सिंपल मतलब वर्ड में समझाया कि डिस्ट्रक्शन हो रही है आप क्या करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं इंटरव्यू, मतलब आपको कोई ऐसा काम नहीं करना, इसमें मतलब हॉबीज आपको सच लिखनी है अपनी, और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को ध्यान से सुने, ध्यान से उनका आंसर दें, तो वैसे मतलब इंटरव्यू में कैंडिडेट ही ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बाहर हो जाते हैं। और एक चीज़ लास्ट ये है इंटरव्यू के लिए कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती बहुत अच्छी, लेकिन ऐसा एक मिसकंसेप्शन है कि आप हिंदी आती लेकिन फिर भी इंग्लिश में ही इंटरव्यू देंगे, ऐसा नहीं करना है, वो इस चक्कर में इंटरव्यू खराब कर लेते हैं, वो दो लाइन बोल पाएंगे इंग्लिश की फिर अटक जाते हैं, जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है ना हमसे भी वानी बोली जाती है,
जब इतने स्ट्रेस होता है, चार ऑफिसर सामने बैठे हैं, चारों देख रहे हैं और पता है यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है और लास्ट अटेम्प्ट है, तो उस टाइम पे हम हमारे साथ भी मतलब हालत खराब होती है। कर सकते हैं वो मैंने बहुत सारे मतलब रोहित शुक्ला जो इस बार सिलेक्ट हुए 56 रैंक है, उन्होंने भी इंटरव्यू ऐसे दिया था, बाइलिंगुअल में दिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है ना, आपको अटकना नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो इंग्लिश बोलना चाह रहे हैं, नहीं आती है, तो आप ऐसे इंग्लिश बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रही। गलत इंग्लिश बोलना या इंग्लिश जो बोल रहे हो जिसका आप बताना चाहते हो उससे कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा वाला इंग्लिश नहीं बोलना है। जो इंग्लिश बोल रहे हैं वो जब तक बोल रहे हैं वो इंग्लिश सही होनी चाहिए, उसके बाद नहीं आगे बोलना आ रहा है आप हिंदी बोलो वो चल जाता है। लेकिन सिर्फ बोलने के लिए इंग्लिश बोलना इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इट इज नॉट डिजायर्ड। और उसमें क्या हो जाता है कि इसमें ऐसा लग जाता है कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है जनरली। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो बायलिंगुअल इंटरव्यू दिया जा सकता है, लेकिन आप कितना कंफर्टेबली आपके जो जो बोलना चाहते हैं उसको एक्सप्रेस सामने वाले को कितना अच्छे से कम्युनिकेट करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। होता क्या है कि किसी ने बोल दिया इसलिए इंटरव्यू इंग्लिश में दे रहे हैं, लेकिन अटक गए। अभी अटक जाने के बाद एकदम से कॉन्फिडेंस लो हो गया, कॉन्फिडेंस लो हो गया तो आप हिंदी में कवर करने का कोशिश कर रहे हो, सामने वाले इमीडिएट पता लगता है कि ये अटक रहा है। या फिर अटकने का भी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ओवरकम कैसे करते हो वो मैटर करता है। क्योंकि देखो आप ऑफिसर बनने वाले तो कॉन्फिडेंस तो होना ही चाहिए, तो कैसे भी करो। मैंने भी बीच बीच में हिंदी यूज किया था, बहुत खबर है हिंदी यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट है, आप जो बोलना चाहते हो वो सही से बोल रहे हो, उनको बहुत ज्यादा मैटर है। तो मुझे लगा कि कैंडिडेट ने पूछा था इंटरव्यू से 15 दिन पहले कि मैं हिंदी मीडियम करूँ, मुझे इंटरव्यू इंग्लिश में देना है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि अगर आप इंग्लिश में शिफ्ट करोगे, इंग्लिश हिंदी से नहीं सीख सकते, इंटरव्यू खराब हो जाए, खराब हो जाए, तो आप उसको इंग्लिश हिंदी आती है तो हिंदी में ही दो, हिंदी में तो कोई दिक्कत। जैसे चल रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जॉब्स के बारे में पूछे तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसके सपोर्ट में ही हमेशा बोलना चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे हिसाब से। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने लेकिन उन्होंने पूछा था कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पार्लियामेंट पे जैसे था कि अभी पार्लियामेंट जो बना रहे हैं नया, तो क्या आपके अभी सही है, तो बहुत लोगों ने आंसर सीधा सीधा दिया है कि मेरे को नहीं लगता इस वक्त कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ पैसा लगाया जा सकता। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं हम इसे, जहाँ आप किसी पॉलिटिकली आप अलाइन नहीं हो रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए आर एस अग्रवाल की जो बुक है वो, और मैथ्स के लिए पाथ फाइंडर CDS करके जो बुक आती है मेरे सबसे वो सफिशिएंट। मैथ्स को एलिमिनेट कर सकते हैं? किसको? मैथ्स बिल्कुल छोड़ सकते हैं, मतलब CABF से। हां, रीजनिंग कर रहे हैं मैथ्स, मतलब स्किप करके रीजनिंग कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लाइक मैं बता दूं सर जो है कि मैंने CABF के एग्जाम में अपने वाले में, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आप लोग ऐसा करें, लेकिन हाँ ठीक है, मैं एमटेक कर रहा था साथ में, टाइम इतना नहीं था और मेरे को पता था कि पेपर वन मेरा शायद हो जाएगा क्योंकि पिछली बार हो गया था। टू में मेन इशू आ सकता है, टू मतलब मेरे पिछली बार जस्ट लाइक मेरे 18 की मार्कशीट थी मेरे पास, तो उससे आइडिया था। पेपर वन में 98 थे और पेपर टू में 67 थे, तो आइडिया था क्या इंप्रूव करना है, तो पेपर टू पे ज़्यादा फोकस किया था ताकि इसमें 100 के आसपास मार्क्स आए। और तो मैंने इकोनॉमिक्स का और हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे 7-8 और हिस्ट्री के आए थे जितने भी, एक भी अटेम्प्ट नहीं किया था अपने वाले में। उन्होंने कोई सेक्शंस नहीं बना के रखे, क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है कि सभी ज्योग्राफी सब मिक्स मिक्स है, उनको कभी नहीं पता चलने वाला कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है नहीं किया है, सो दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस। मैं तो ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ऐसे छोड़ो, लेकिन हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कोई चीज बिल्कुल हो ही नहीं पा रही है या आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि जैसे इकोनॉमिक्स का एबी क्वेश्चन नहीं होगा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ऐसा मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं कि कोई कोई जो एरिया से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं तो उसको पूरा छोड़ते नहीं है, थोड़ा बहुत कर लिया, लिमिटेड सोर्सेस आर मोर इम्पोर्टेंट कि एक दो बुक कर लिया, जैसे कि सर ने भी बताया कि हिस्ट्री के लिए थिंग्स किया और स्पेक्ट्रम किया इतना ही किया, लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है ना, क्योंकि टाइम नहीं था। तो टाइम के हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली द की इज लिमिटेड सोर्सेस में मैक्सिमम बार पढ़ो। और जो किया है ना, इससे की ये लेना है कि उन्होंने छोड़ा है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट,
वो फिर भी क्लियर क्यों है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बहुत अच्छे से किया है. That is more important. Accuracy is more important. Paper 2 में आपने जैसा अपन बताया कि तुम्हारे एनिम आपको 16 करना है, and paper 2 and 2 तो 19 में आपका अच्छा स्कोर आया. आपने क्या किया कि आपका स्कोर 19? मैंने ऑब्जर्व किया, लाइक मैं तो CDS ND में दिया था. CDS में हम फॉर एग्जाम्पल अगर एसे लिखते हैं या लेक्चर एड होता है एक वहाँ जिसमें एक लेक्चर देना होता है 3 मिनट का, तो हम क्या करेंगे, जैसे फार्मर्स इशू हो गए फॉर एग्जाम्पल, हम उसका बिल्कुल बेसिक आइडिया लिखेंगे इंट्रोडक्शन, और बिल्कुल उसमें हम बॉडी में लिखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम है, सुसाइड हो रही है सब, और नीचे हम कंक्लूजन लिख देंगे क्या क्या करना चाहिए. हम ना तो उसमें कोई स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे, ना उसमें कोई फिगर्स यूज़ करेंगे, ना कोई रिपोर्ट्स की कमेटी की रिकमेंडेशन हम उसमें यूज़ करेंगे, और ना उसमें हम कोई आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन ये सब यूज़ नहीं करते हम CDS में जनरली. यही मैंने किया था 18 में, तो 67 मार्क्स मिले. तो ये सब चीज़ें मैंने इम्प्रूव की थी 19 में, कि उसमें फिगर्स लिखनी है, फैक्ट्स लिखने हैं, रिपोर्ट्स की रिकमेंडेशंस लिखनी है, DPSP फंडामेंटल राइट्स उसको लिंक करना है, ये सब चीज़ें इम्प्रूव की थी और पेपर कंप्लीट किया था. उनको 105 मार्क्स थे पेपर 2 में, उनके भी जो एसेज रहते थे ना डेढ़ पेज के ऊपर एक भी एसे कमी नहीं किया. वो एसे लिखने का एक स्ट्रेटेजी है, देयर आर टू स्ट्रेटेजीज ऑफ राइटिंग एसे, वो हर किसी का अपना अपना स्टाइल है. एक जिसको हम लोग बोलते हैं किस वाला स्ट्रेटेजी, कीप इट सिंपल एंड स्ट्रेट शॉर्ट, जो एकदम छोटा लिखो, क्रिस्प लिखो, टू द पॉइंट लिखो, उसमें ज्यादा आपको लिखने का जरूरत नहीं है. और दूसरा एक किल टेक्निक है जिसमें क्या है, आप यूसिव लिखते हो बहुत भरा भरा जो डेकोरेट कर करके कहानी टाइप, लेकिन ये किसी कैसा है ना, ये आप हर किसी का अपना अपना स्टाइल है. कुछ लोग लिंग्विस्टिकली गिफ्टेड रहते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे से घुमा फिरा के एकदम डेकोरेट करके लिख सकते हैं, हर कोई नहीं लिख सकता. ये जो किस वाला जो पार्ट है ना, ये हर कोई कर सकता है. तो इसमें UPSC ने हमेशा खुद ही डायरेक्टली बोला है, बार बार बोला है, फॉर अस क्वालिटी ऑफ आंसर इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन कितना लंबा लिखा है. तो जब तक आपका क्वेश्चन का आंसर जो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है ना, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कि आपने कितना लंबा लिखा है. तो ये डेढ़ पेज है, दो पेज है, तीन पेज है, आपने 10 पेज भी लिखा लेकिन जो चाहिए वो नहीं लिखा, तो मार्क्स नहीं आने वाले. इनफैक्ट एग्जामिनर इज फार मोर सेटिस्फाइड कि आपने टू द पॉइंट लिखा है, जितना जरूरत लिखा है उसको कब पढ़ना है, उसको समझने का जरूरत नहीं है ना, नहीं तो वो सोच रहा है इसने लिखा क्यों है, ये चेंज करने में भी टाइम चला जाता है. लेकिन टू द पॉइंट से भी आंसर में अच्छे मार्क्स आते हैं. एनीथिंग एल्स, एनी अदर क्वेश्चन? सर, फेलियर का कुछ स्टोरी बताइए, मतलब जैसे कहीं हम कुछ सुने हैं कि सक्सेस का तो सब बता देता है, ये करो तो पास हो जाओगे, पर फिर कोई अपना मतलब फेलियर नहीं बताता है, आपके ये गलतियाँ क्या जिसके कारण फेल हो गए, तो ये नहीं करो तो आगे आप सक्सेसफुल. ऐसा बहुत बार होता है कि जनरली जब सक्सेसफुल कैंडिडेट कहीं पे भी ऑनलाइन में आते हैं या इंटरव्यू देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये बंदा तो कभी फेल हो ही नहीं सकता. तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो मनी वाला था सिलेक्ट, तो ही वॉन्ट्स कि आपको कभी जिंदगी में फेलियर आया है क्या कहीं पे, आपको लगा है कि जिसको आप ओवरकम करके आए हो, ऐसा कुछ तो बता दीजिए. कि जो सभी लोग सिर्फ सक्सेस 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 बताते हैं, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है क्या? नहीं, ऐसा बहुत है. मतलब जैसे मैंने NDA के 3 मैंने SSB दिए हैं 8, तो मैं कभी SSB में मतलब स्क्रीन आउट भी नहीं था, हमेशा मैं कॉन्फ्रेंस आउट रहा, तो 8 के 8 SSB कॉन्फ्रेंस तक गया, कॉन्फ्रेंस आउट रहा. और CEPF का लास्ट अटेम्प्ट था, जैसे मैंने बताया 2 और 3 अटेम्प्ट था ये CEPF का. तो लेकिन मैंने अपने सारे अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ सीखा, ये इंपॉर्टेंट है. NDA वाले से मैंने सीखा कि बोलना कितना ज़रूरी है, आपको चाहे कितना आता है लेकिन आप ग्रुप डिस्कशन बोल ही नहीं पा रहे हो, दूसरे लोग बोल पा रहे हैं चाहे उनको कितना कम आता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल. उसके बाद इंटरव्यू जब NDA के मैंने दिए 3, तो उसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन सीखे कि आप आर्मी में जा रहे हो, लेकिन इसका मतलब इंडियन आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं पता, रैंक्स ही नहीं पता, आर्मी का वेपन यूज़ कर रहे हैं ये नहीं पता, और हॉबीज के बारे में फॉर एग्जांपल नहीं पता, फिटनेस नहीं है, ये सब चीज़ें फॉर एग्जांपल मैंने अपने NDA के अटेम्प्ट से सीखी. उसके बाद CDS के अटेम्प्ट से मैंने एक दो जगह जो वीकनेस थी वो मैंने सीखी, लाइक ये चीज़. हाँ, ये चीज़ मेरे इंटरव्यू में भी हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इतने सारे NDA CDS के SSB दिए, तो उसमें से आपने आपकी आपको क्या वीकनेस लगी और आपने क्या इम्प्रूव किया और उसका क्या मतलब रिजल्ट रहा. तो एक मैंने ये चीज़ बताई थी, बहुत ज़रूरी है कि कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं, लाइक जो OLQs होती हैं उसमें भी क्वालिटी होती है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि वो भी स्टार्ट कर दी, उसको कंप्लीट भी करना है. जैसे आपने बुक पढ़नी स्टार्ट की तो ठीक है वो इनिशिएटिव है, लेकिन उसको कंप्लीट भी करना है.
लाइक आपने जिम जाना स्टार्ट किया तो उसका रिजल्ट भी आना चाहिए कि आप फिजिकली फिट हो गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू में बताया था कि मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरे अंदर ये कमी थी, मैं 10 काम एक साथ करूंगा और 10 में से एक का रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया कि चाहे मैं 4 काम करूँ, एमटेक कर रहा हूँ, कैट का एग्जाम दे रहा हूँ, सीएपीएफ का दे रहा हूँ, सपोज फिजिकल फिटनेस में फोकस कर रहा हूँ, उन चारों का रिजल्ट आना चाहिए। टास्क ओरिएंटेड बनना है। तो कोई भी काम अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं वो पूरा करना ही करना है। तो ये सब चीज़ें जैसे मैंने अपने अटेम्प्ट से सीखी और उस चीज़ को मैंने इम्प्रूव किया। फिर वैसे सीएपीएफ का तो आप लोगों ने बताई है, वो मैंने देखा कि पहले अटेम्प्ट में क्या गलती हुई, दूसरे में क्या कमी रह गई, फिर उस हिसाब से मैंने किया। तो वो सबके साथ मतलब होता ही है मेरे हिसाब से। बहुत ही मतलब रेयर केस में लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम में सेलेक्ट हो जाते हैं एक्चुअली ऐसा। लास्ट तो कुछ भी नहीं है, बस ये है कि अपने आप को मतलब इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है, देख के कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। मैंने जो देखा है वो ये है कि मैंने कहा ना लेस देन 1% लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही एकदम सब कुछ परफेक्ट चल रहा है और वो सब कुछ क्लियर करते चले गए, चाहे वो NDA है, चाहे वो CDS है, चाहे सिविल है, चाहे CAPF है। 99.9% लोग ऐसे हैं जो एग्जाम देंगे, पहले तैयारी करेंगे, लगेगा ये वीकनेस है उसे इम्प्रूव करेंगे, फिर लगेगा इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही। जैसे बताता हूँ, पहले मैंने हार्ड कॉपी में नोट्स बनने स्टार्ट किए कॉपी पे, तब मुझे रियलाइज हुआ मैं बहुत आलसी हूँ, मैं नोट्स नहीं बना सकता ऐसे, मेरे से लिखने में मुझे आलस आता है अगर ज़्यादा लिखना पड़े। फिर मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अब क्या करूँ, फिर मैंने ई नोट्स बनाने स्टार्ट किए। मैं सारी बुक्स जो मैंने पढ़ी हैं सब कुछ पढ़ा है, वो लैपटॉप पे पढ़ा है, उसको कॉपी पेस्ट करके सीधा PDF में मतलब वर्ड में कॉपी पेस्ट कर लिया, बाद में प्रिंट्स ले लिए नोट बन के, तो ताकि मेरा काम आसान हो जाए। तो बहुत चीज़ें ऐसी भी हैं, आपको हो सकता है लिखना बहुत पसंद हो, मुझे बिल्कुल भी लिखना मुझे बिल्कुल मतलब ऐसा लगता था बहुत टाइम लग रहा है उसको लिखने में। तो इसलिए ये चीज़ें आप अपने हिसाब से जो है उनको मोल्ड कीजिए अपने हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे सबको ऐसे नोट बनाने चाहिए। कुछ लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हमको तो बिल्कुल भी लैपटॉप पर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, हमको तो हार्ड कॉपी बुक चाहिए, मुझे लगता है लैपटॉप पर पढ़ना बेस्ट है, मुझे हार्ड कॉपी में नहीं इंटरेस्ट। तो इसलिए मतलब ये चीज़ें हैं वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट है, तो आपको ये देखना है कि आपको क्या बेटर सूट कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको मतलब कंटिन्यूअसली वो चीज़ इंप्रूव करनी है, ठीक है, उस चीज़ में अच्छा करना है, उस पार्ट में अच्छा करना है। लाइक क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों गलत हो रहे हैं, अगर आपने 4 क्वेश्चन गैस किए थे, 4 गलत हो गए तो वो क्यों गलत हुए, वहाँ पर गैस में क्या प्रॉब्लम हुई है, तो वो गलती आपको अगली बार नहीं करनी है। सारे टॉपर्स ने 1000 गलतियाँ की होंगी लेकिन वो 1000 गलतियों को फिर दोबारा नहीं करते, तो ये एक रीज़न है।